श्याम बाबा जी उदयपुर जूना अखाड़ा वाले सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में विशेष रूप से माथा टेकने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मां के पावन दरबार में माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया, जिन्हें मंदिर प्रबंधक कमेटी के कोषाध्यक्ष पविंदर बहल ने मां की चुनरी देकर सम्मानित कर स्वागत किया। इस मौके पर श्याम बाबा जी ने मंदिर कमेटी की प्रशंसा करते हुए कहा कि मंदिर कमेटी द्वारा भव्य सुंदर मंदिर बनाया गया है, जिसमें माँ वैष्णो देवी की गुफा और माँ का भव्य दरबार देखकर उनका मन गदगद हो उठा है। इस मौके पर श्रीकंठ जज मनीष शर्मा मनु भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। जय माता दी। मां भगवती दे दरबार दे च देवी तला दे विच उदयपुर तो श्याम बाबा जी आए ने अज मत्था टेकन। उन्होंने आके मां दे चरणां च नतमस्तक होके मत्था टेकिया। तो परमिंदर बहल जी ने महाराणी के चरणों से उन्होंने स्पर्श करा के माँ का आशीर्वाद होया। मैं समूह सनातनी भरावान कहाँगा अपने मंदिरों के नाल जुड़ो, अपने परिवार अपने बच्चों मंदिरों जोड़ के अपने सनातन धर्म की जय बुलाओ। जिदा उदयपुर तो माँ के दरबार से श्याम बाबा जी मत्था टेकना है, तुम भी सारे अपने माँ भगती के दरबार जाके देवी तला मत्था टेकया करो। जय माता दी। मैं उदयपुर से आया हूँ, माता जी के चरणों में दर्शन करने के लिए आया हूँ। काफ़ी 30 साल के बाद आया हूँ यहाँ पे, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ के सभी से मैं अरदास करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आप आओ और माता रानी के शरण में आओ और माता रानी के दर्शन का लाभ उठाओ। पहले आया था, कुछ भी नहीं था। आज मुझे ये लग रहा है कि इस मंदिर के माता रानी का चमत्कार की वजह से और उन्होंने यहाँ पर जो इसका देखा भाली करी और जिसको इसका रूप दिया है, वो आज मतलब मान के चलो कि जो अपन वैष्णो देवी जाते हैं उस प्रकार का यहाँ पे इतनी संगत का और का नज़ारा दिख रहा है। और ऐसे मैं चाहता हूँ और माता रानी से अरदास भी करता हूँ और प्रार्थना भी करता हूँ और हमारे गुरुदेव से भी करते हैं, माता महारानी से भी, कि जिन जो मजिस्मेंट संभाल रहे हैं उनको सद्बुद्धि दे और उनके परिवार को सुख शांति दे और अच्छा तरक्की पिलावे।